निगम पार्षद भी हैं, अब 2019 के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, तो मेरा एक व्यक्तिगत आपसे क्वेश्चन है कि आप बैलेट पेपर से कराना पसंद करेंगे या ईवीएम से? देखिए, मैं बिल्कुल एक जो चुनाव है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दलित समाज के लोगों से कि अगर ये लोग, क्योंकि इनकी नियत साफ नहीं है, ये लोग इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इनका विश्वास मनुस्मृति के अंदर है, मनुवाद के अंदर है, हमारा विश्वास भारतीय संविधान के अंदर है, बाबा साहब के संविधान के अंदर है, तो हम लोगों का, इन लोगों का चैलेंज है कि हमारे दलित समाज से मेरी एक अपील है कि अगर ये लोग बैलेट पेपर चुनाव में ना भी कराए, 2019 का चुनाव आ रहा है, बटर इतना दबा दे रहा है, हेराफेरी कितनी करे, इनका इनका सुपड़ा साफ होना तय है 2019 के अंदर। देखिए, 2019 से पहले ऐसे जुमले काफी सारे आएंगे और आप मंदिर की बात करेंगे वो, और ऐसी जिस तरीके से गणेश जी ने जूझ किया था, अब किसी दूसरे को जूझ लाने का काम कर, देखो ये मनुवाद की साजिश है, मेरी बात सुनिए, इनकी राम मंदिर को बनाने की इनकी कोई नियत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बनाने के लिए कोई मना करता है। अरे राम मंदिर यहाँ क्यों बना रहे हो, पेरिस में बना लो, लंदन में बना लो, पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर बना दो, हमें इनसे वो नहीं है कि आप राम मंदिर क्यों बनाना चाहते हो, लेकिन इनकी नियत नहीं है। ये तो रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, गाजियाबाद पे जाएंगे, जनता को पिटवाएंगे और घर वापस आ जाएंगे, वो लोग हैं कि वो बात पाई है इस देश के अंदर, ये यही चाहते हैं। लेकिन आज इन्हें बता दें कि आज बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों को ये लोग समझ रहा है। आज देश का मनुवाद व्यवस्था ऐसा नहीं कह रहा है, ब्राह्मण समाज के लोग नहीं समझ रहे, वो भी आज समझ रहे हैं, और जब वो समझ रहे तो उनको जूते मारेंगे। 2019 के बाद जब इन लोगों को समझ में आएगी कि बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, मनुवाद से देश नहीं चलेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो दलितों के लिए कहते हैं कि अभी 26 अली पुर रोड बना दिया, वहाँ पे एक अच्छा एक श्रृंगालय बना दिया, उसके बाद में 15 जनपद बना दिया, हम जो दलित समाज के लोग हैं इन्हीं से खुश रहते हैं। सर ये हमारा संविधान है, हमारे टैक्स का पैसा है, किसी के बाप का पैसा उसके अंदर नहीं लगा। बाबा साहब के लिए मेरे खून पसीने की कमाई लगी है, मेरे पैसे से बनाया है, मोदी जी ने अपने घर के पैसे नहीं बनाया, वो मेरे पैसे से बनाया है, वो हमारा अधिकार है। लेकिन हमें, अगर आप सोचते हैं कि बाबा साहब का स्टैचू बना के, बाबा साहब का स्मारक बना के, एक जगह स्मारक बनाओ और पूरे देश के अंदर जगह जगह बाबा साहब के स्मारक बनाओ, जूते से मारेंगे दलित समाज के लोग। आज इस देश के अंदर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिसने इस देश को खड़ा किया, जिसने भारतीय संविधान की रचना की, आज उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाना पड़ रहा है इस देश के अंदर। ये किसने पैदा किया? ये भाजपा और राजस्थान पैदा किया। ये खुलेआम खुले मन से हम लोग कहते हैं, कुत्ते को वोट देना, भाजपा राजस्थान को वोट मत देना। कुलदीप जी, आप युवा हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? सर युवाओं से अपील जो थी, युवा आज इस हॉल के अंदर भी और 2 अप्रैल के अंदर भी इस देश में युवाओं ने दिखा दिया और दलित समाज के युवाओं ने दिखा दिया कि हम PSJ भी करेंगे, हम IAS भी बनेंगे, लेकिन जब देश के लिए आंदोलन की बात आएगी, समाज के आंदोलन की बात होगी, तो हम जेल में बंद होने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। हम वहाँ से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम जब भारत का संविधान लिखने की बात होगी तो भी हम आगे आएंगे, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात होगी तो भी हम आगे आएंगे, जेल में बंद होने की बात होगी तो भी हम लोग आगे आएंगे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोगों को इस देश की मुख्य धारा में आना पड़ेगा। जमीन के बराबर के बंटवारे की बात करेंगे, जमीन और खेती की हिस्सेदारी की बात करेंगे, अगर ये नहीं मिली तो देश का तख्ता पलट कर देंगे।